Howdy, physics lovers. Question number 5.17. A nucleus is at rest in the laboratory frame of reference. ये एक न्यूक्लियस है और वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है. इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और इसका मास हम मान लेते हैं कैपिटल एम. नाउ क्वेश्चन इज शो दैट इफ इट डिसइंटीग्रेट्स इनटू टू स्मॉलर न्यूक्लियाई, कि ये न्यूक्लियस अगर दो स्मॉलर न्यूक्लियाई में डिसइंटीग्रेट होता है, एक है एम वन और दूसरा न्यूक्लियाई है जिसका मास है एम टू, तो ये दोनों न्यूक्लियाई जो इसका प्रोडक्ट है इनिशियल न्यूक्लियाई का, वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, ऐसा हमें प्रूव करना है. तो मान लेते हैं न्यूक्लियाई जिसका मास m1 है उसकी वेलोसिटी है v1 और दूसरे न्यूक्लियाई की वेलोसिटी है v2. नाउ यहां पर हम यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. सो यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. सो व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? मोमेंटम बिफोर द डिसइंटीग्रेशन, मोमेंटम बिफोर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू मोमेंटम after the disintegration of the system तो हम यहां पर देखिए कैसे निकालेंगे. initially system का जो mass था उसमें एक nuclei था और उसका mass था capital M और उसकी initial velocity थी zero. हम जानते हैं momentum किसके equal होता है, mass into velocity. now after disintegration there are two masses and both the masses have their respective velocities v1 and v2. तो हम यहां पर लिख सकते हैं m1 v1 plus m2 v2. now what is the value of v1? so value of v1 is equal to minus m2 v2 divided by m1. अब यहां पर जो ये negative sign है ये क्या represent कर रहा है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v1 is equal to minus m2 by m1 into v2. therefore negative sign represents that v1 and v2 are acting in opposite directions, ki jo v1 aur v2 hai ये दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है और यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था कि शो दैट इफ इट डिसइंटीग्रेट्स इनटू टू स्मॉलर न्यूक्लियाई द प्रोडक्ट्स मस्ट मूव इन अपोजिट डायरेक्शन. सो हमने यहां पर प्रूव किया कि v1 और v2 दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है जो कि रिप्रेजेंट की जा रही है बाय द नेगेटिव साइन. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस न्यूमेरिकल. इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद, जय भारत.